तो दोस्तों पार्ट टू ऑफ द वीडियो आज जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर है, उसके अंदर हम दो मूवीज कवर करेंगे इस एपिसोड के अंदर। मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे डे 4 का कोई ड्रॉप आया कि नहीं आया, शज़ाम 4 का क्या हुआ इंटरनेशनली। आज हर एक मूवी में बहुत मैसिव ड्रॉप आया है और क्योंकि कई जगहों पे बारिशें भी हो रही हैं जिस वजह से लोग बाहर नहीं निकल पाए और कुछ क्रिकेट मैचेस भी चल रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ रुझान आ रहा है। बट मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे का जो डे 4 है वो 3 करोड़ रुपए अच्छा पीक कर लिया था इसने संडे वाले दिन, ड्रॉप होके 1 करोड़ रुपए हो गया। कल तक 6.5 करोड़ रुपए था, आज हो गए 7.5 करोड़ रुपए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है इसके लिए भी कि चाहे इंडिया के अंदर इतना रुझान आ रहा हो ना आ रहा हो, बाहर हो चुका है 13.5 करोड़ रुपए। तो विच मीन्स अगर हम इसको ग्रॉस से जरा देखें टोटल को, तो कल अभी तक जो टोटल हो चुका है वो करीबन 8 करोड़ रुपए हो चुका है। 8 और 13 मतलब 5 करोड़ रुपए लगभग बाहर से आए हैं। तो विच इज दैट पीपल आर अप्रिशिएटिंग आउटसाइड इंडिया। इसको थोड़ा और अच्छे से मार्केट कर देते तो ये और बढ़िया काम हो जाना था। बाकी अगर हम शज़ाम का डे 4 का कलेक्शन करें तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटरनेशनली फ्लॉप होने वाली है मूवी, क्योंकि 4 दिन के अंदर कुल मिला के ये सिर्फ 540 करोड़ रुपीज़ ही जमा कर पाई है ओवरऑल बेसिस पे, विच इज़ अ बिग धक्का फॉर DCU एंड अ रियलाइजेशन दैट इफ यू अपसेट द फैंस दे विल नॉट इवन सी योर गुड मूवीज, दैट्स व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स। तो डे 4 के अंदर 3.5 करोड़ रुपये जो कल था उसको ड्रॉप करते हुए इसने एक अचीवमेंट करी है 1.25 करोड़ रुपीज़। DCU की मूवी चौथे दिन सिर्फ 1.25 करोड़ रुपये कमाती है, कमाल की बात है। टोटल हो चुका है 11.75 करोड़ रुपीज, बहुत ही मिनिस्क्यूल सा। बाकी अब हम जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जिसके अंदर हम कब्जा के बारे में बात करेंगे और सुगाकुटो के बारे में बात करेंगे, क्या उनमें भी ड्रॉप आया, कुछ रिकवरी हुई है नहीं हुई है। वैसे कब्जा ने 1000 करोड़ कर लिए, उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेंगे। बाय बाय।